मेरा नाम है रोहित सूर्यवंशी और मैं दिल्ली से हूँ और मेरी एज है 25 और मैं बेसिकली मॉडल हूँ। मैंने दिल्ली में कई साल मॉडलिंग करी है, 2-3 साल, और उसके बाद मैंने एक्टिंग लाइन में आने की सोचा, मैंने एक्टिंग फील्ड में आने की सोचा और एक्टर बनने की सोचा। तो मैं दिल्ली में था तो मैं करता था छोटे मोटे अपने एक्टिंग की वीडियो बनाता था दोस्तों के साथ, और एक दो बार मैंने मतलब जैसे स्टेज वगैरह पे भी परफॉर्मेंस दिए तो लोग बहुत अच्छी तालियां बजाते थे और कहते थे कितने अच्छे एक्टर हो। बट बेसिकली जब मैं बॉम्बे में आया तो मैंने एक दो ऑडिशन दिए और उन लोगों से मिला जिन्हें एक्चुअल में एक्टिंग की समझ थी और एक्टिंग के बारे में जानते थे जो, तो उन्होंने जब मेरी परफॉर्मेंस देखी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कमियां बताई मेरी एक्टिंग में। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा यार मैं कैसे, मेरी एक्टिंग में कैसे कमी हो सकती है, मैं समझता था मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। बट फिर जैसे जैसे धीरे धीरे मैं थोड़ा सा 10 दिन हुए मुझे, 10-15 दिन बॉम्बे हुए, फिर मुझे समझ आया कि हाँ यार मेरी एक्टिंग में कमी है, खुद रियलाइज हो जाता है बंदे को। तो फिर मुझे मेरे भैया हैं उन्होंने सजेशन दिया मीडिया क्राफ्ट का, जिसमें हमारे सर मिस्टर संजीव चौहान टीचर हैं, उन्हीं की कंपनी है, उन्हीं का इंस्टीट्यूट है। तो मैं जैसे यहाँ पर आया और डे बाय डे फर्स्ट डे से आज मेरे को हो चुके हैं लगभग 20 दिन हो चुके हैं, 20 दिन, तो मुझे इतना ज्यादा डिफरेंस लगा पहले के रोहित में और अब के रोहित में एक्टिंग बेस पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मैं करता था वो तो कूड़ा ही है सब ना, तो एक्चुअली परफॉर्मेंस एक अलग चीज होती है और एक्टिंग एक अलग चीज होती है, क्योंकि परफॉर्मेंस होती है यहां से नीचे से, बट एक्टिंग यहां से ऊपर का खेल है। वो मुझे यहां आके समझ आया और मैं समझता हूं कि मैं एक्चुअली मैं मेरे जो भैया हैं मैं उनसे रोज बात करता था इस बारे में कि एक्टिंग कहां से सीखनी है, क्या करना है। तो काफी सारे इंस्टीट्यूट भी हैं मेरे को दिल्ली में भी लोगों ने बताए थे, और NSG भी है और FTII भी है, बट मैं अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा कह सकते हैं हिंदी में सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को मेरे भैया या जैसे भी हैं, जैसे ही मुझे सर के पास आना हुआ, क्योंकि आई थिंक अगर मैं सर के पास ना आता तो शायद मेरे को वो चीज नहीं मिल पाती जो एक्चुअली मुझे चाहिए। और मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे अंदर से कमियां निकल रही हैं, हर डे मेरे अंदर से कमी दूर हो रही है, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं सर का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ इस बारे में, और मीडिया क्राफ्ट का भी बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, और अपने भैया का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। और बेसिकली मैं अपने सर के बारे में कहूँ तो एक एक बाल के बराबर भी कमी उन्होंने मेरे में से निकाल दी है, तो ये बहुत अच्छी बात है और आज मेरी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, इसके लिए मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करूँगा और आई एम वेरी थैंकफुल टू माय सर, लव यू।